फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। इस टाइम पे आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मौसम इस तरीके का हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी का ही वीडियो बनाया जाए। सुबह से दिन बहुत ही बोरिंग सा हो रहा था, बट इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे जो रूम करके मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मसूरी है, इस समय पूरा ढक चुका है, नहीं दिख रहा है। और ये है मेरा घर का फ्रंट एरिया, मैंने पहली वीडियोस में भी आपको दिखा रखा है। तो यहाँ से भी अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, देखते हैं। अगर थोड़ी देर में बारिश होगी तो मैं ज़रूर वीडियो में आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए, इस टाइम पे स्टार्ट हो गई है बारिश, अब तो ऑलमोस्ट नाइट ही हो गई है। तो यहाँ पे समय बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि गर्मियाँ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी या तो रेन सीज़न चल रहा है। बट यहाँ का मैंने आपको पहले भी बताया है कि मौसम यहाँ का ऐसा ही रहता है, ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है। तो अब मौसम को ध्यान में रखते हुए आज हमने प्लान किया है कि हम आलू के पराठे बनाएंगे, और आपको दिखाते हैं कि कैसे मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। वैसे सब बोलते हैं ठीक ही बनाती हूँ, चलिए देखते हैं अभी कैसे बनते हैं आपके सामने। तो गाइस इस टाइम पे मैं छान रही हूँ धनिया, कुछ कुछ लीव्स इसकी ख़राब हो चुकी थी तो मैं वही छान रही हूँ। मुझे धनिया बहुत पसंद है और बिना धनिया के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब खाने में टेस्ट ही अलग हो जाता है जैसे हम इसमें धनिया ऐड करते हैं। तो अब मैं इसको धो लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि थोड़ा मेरा वीडियो बना दीजिए, उनकी हेल्प से, उनकी हेल्प के बिना वैसे पॉसिबल होता भी नहीं है मेरे लिए, अकेले ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मतलब कोई ना कोई चाहिए होता है, कभी मम्मी जी बना देती हैं तो कभी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर लेते हैं। तो मैं इसको कटिंग करके रख दूँगी और उसके बाद अभी तो काफ़ी कुछ, ये सबसे पहला स्टेप है मेरा, अभी तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पॉली टांग रखी है नीचे पे, जो भी मेरा इसमें कुकिंग करते टाइम जो भी कचरा होता है मैं उसमें डालती रहती हूँ, मुझे इजी रहता है, झुकना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है, उन्हें कहा है कि वो आलू मुझे छिल के दें, बॉयल मैंने करके रखे हुए थे तो, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से काम हो जाता है, नहीं तो काफ़ी मतलब लेट हो जाता है इन चीज़ों में। तो अभी वो एक तरफ मैं अपना कटिंग का काम कर रही हूँ, दूसरी तरफ वो मुझे आलू छिल के देंगे। अभी आलू के पराठों के साथ मैं बनाऊंगी चटनी, क्योंकि आज मैं नाइट में पराठे बना रही हूँ। तो नॉर्मली हम लोग कर्ड वगैरह यूज़ करते थे, बट इस टाइम पे रात में सही नहीं है तो इस टाइम पे मैं चटनी बनाऊँ। हाँ, आज की वीडियो में आपको थोड़ा डल सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि नाइट में हम शूट कर रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़ा सा इसमें लाइटिंग इस तरीके से दे दूँ। चटनी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हरा धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर, मिर्च, तो यही मैं डालती हूँ। और आपको थोड़ा सा मतलब अगर खट्टा चटनी को बनाना है तो आप उसमें नींबू डाल सकते हो या फिर कर्ड भी डाल सकते हो, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। नमक मैं इस टाइम पे ही ऐड कर लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई कोई बाद में भी ऐड करता है, बट मैं तो जिस टाइम पे इसको ग्राइंड करती हूँ उसी टाइम पे ऐड कर देती हूँ। आलू मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे छिल दिए हैं और बस मुझे हैंडओवर कर दिए हैं। अब मुझे इसका भी पेस्ट बनाना है, बट उससे पहले मैं मिलाऊंगी कर्ड इस पेस्ट में, थोड़ा सा इसमें ही मैं डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ ये मतलब मोटे मोटा सा रह जाता है जो कर्ड, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इस टाइम पे ही मिक्सी में मैं ग्राइंड कर देती हूँ।
तो चटनी यहाँ पे मेरी तैयार हो गई है। अब मैं गूंदूंगी आटा। आटे को गूंदते टाइम ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ और थोड़ा अजवाइन, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये गूंदने से पहले ही मिक्सअप करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं मिलता है तो फिर कहीं पे तेज नमक हो गया, कहीं पे कम, तो वो बिल्कुल ही अच्छा टेस्ट नहीं देता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही मैं इसमें पानी डालती हूँ। आटा मैंने गूंद दिया है, अब मैं इसे एक प्लेट से ढक दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से आटा फूल जाए और बनाने में काफ़ी इजी रहता है। अब मैंने अपने हस्बैंड को दिया है दूसरा काम, जिसमें मैंने उन्हें प्याज को कट करने के लिए बोला है। थ्रू ये जो एक किचन, ये एक छोटा सा जार टाइप का ही होता है, इससे बहुत ही अच्छी चॉपिंग हो जाती है, तो इससे हम करते हैं चॉपिंग, जो हमें बहुत ही पतली पतली चॉपिंग करनी होती है। और इन्हें मिर्च लगे हुए हैं। एक ही बार में तो इसमें कभी भी एडजस्ट नहीं होता है, इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ही ये काम करता है। तो इस टाइम भी ऐसे ही हो गया था, बट अभी ये कर रहे हैं शॉपिंग। अब मैं रेडी करूँगी मसाला। तो आलू तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने कट करके रखे थे, इन्होंने थोड़े से मतलब मिक्स भी कर दिए थे बट अच्छे से नहीं हुए थे, तो मैं अभी ग्लास की हेल्प से इसको अच्छे से मतलब बारीक कर दूँगी बिल्कुल, ताकि पराठे फटे ना। और इस टाइम पे जो प्याज के ये चॉप कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी आलू नहीं खाती हैं, आलू उनको मना है। तो हम जिस दिन भी हम आलू के पराठे बनाते हैं तो हम लोग प्याज के पराठे मम्मी के लिए बनाते हैं। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ आलू का पेस्ट। तो ये तो सभी को पता होगा कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं नमक मिर्च में नहीं मिलाती हूँ, बट नमक और ये करेंडर मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं मिक्स करूँगी, अजवाइन मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी मैं इसमें डालूँगी। अब मैं आटे को एक बार फिर से गूंद लूँगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे मम्मी के लिए, तो उसमें मैं डबल लेयर वाले बनाती हूँ ताकि वो फटे ना। और बिकॉज सिंगल अगर हम बनाते हैं तो प्याज जब पानी छोड़ देता है तो वो पूरा बहुत ही ख़राब सा हो जाता है, तो इस तरीके से मैं डबल लेयर वाले बनाती हूँ पराठे। इसमें मैं ऑयल अप्लाई नहीं करूँगी, तो इस तरीके से मैं ऊपर ऊपर से सेक लेती हूँ इसको। मम्मी की प्लेट तैयार हो चुकी है, सो मम्मी खाएंगी प्याज के पराठे जिसमें से एक हमारा बहुत सही है, पर सेकंड वन कैसा है ये देखो, थोड़ा सा खराब हो चुका है। चलिए अब मम्मी कहीं डांटे ना बोलेंगी मेरा पराठा खराब कर दिया। चलो चलो चटनी ज्यादा है।
तो जब भी हम पराठे बनाते हैं तो मम्मी और पापा को पहले खिला देते हैं, क्योंकि गरम पराठे खाने में मज़ा आता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे मैं लेयर वाले नहीं बनाती हूँ, तो एक में ही मैं स्टफिंग कर लेती हूँ। और पराठों में मैं घी लगाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे और घर में बाकी लोगों को भी घी बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग सा टेस्ट आ जाता है घी के पराठों से। और जब पराठा इस तरीके से फूलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये वाले बन रहे हैं पापा जी के लिए, अब हम देंगे पापा को। और इसमें मेरे हस्बैंड करते हैं सर्विंग का काम, मैं बनाती रहती हूँ, वो सर्व करते रहते हैं। पापा की प्लेट रेडी लग चुकी है, पापा खाएंगे आलू के पराठे और चटनी। चलो चलो, ये देखिए कि हमारे छोटे साथ हैं जो खेल रहे हैं और अपने पैसे फर कभी नहीं छोड़ते। हमें भी आलू ये का क्या है? ये देखो क्या है, मुझे बोल रहा है हमें भी आलू का पराठा खाना है। ये देखो क्या है, भी खाना है, खाना है ये, खाना है ये। वो देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया, तो एक नई लोकेशन ही दिख रही है ना, आते ही। तो गाइस अब मैंने तैयार कर ली है अपने और अपने हस्बैंड के भी, तो अब हम भी चलते हैं अपना डिनर करने। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपको मेरे आलू के पराठे कैसे लगे।